देश के महान स्वतंत्र सेनानी, प्रथम शिक्षा मंत्री और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती है तो आप सब जानते हैं, और काफी लोगों ने मौलाना आजाद के ताल्लुक से अपना इजहार ख्याल भी किया। हनीफ बशीर भाई ने जैसा भी प्रोग्राम लिया, जो भी लिया, मैं बेहद खुश हूं कि उन्होंने चौक पे लिया, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को बंद कमरों में जो रखा गया है या रख रहे हैं, आज लोगों को याद दिलाने की जरूरत है। कोई आदमी बुरा या अच्छा नहीं होता। जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो अकलियतों में हैं, जो मौलाना आजाद को मोहब्बत करते हैं, अपने कौम और मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन तक मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हमें अगर हमारे नेताओं को, हमारे बुजुर्गों को भूल जाएंगे तो लोग जिस तरह से इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। मगर उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज मेरे दोस्तों एक बात मेरे को आपके सामने रखनी है, मौलाना आजाद के ताल्लुक से, जिन्होंने कलम के जरिए, जो बहुत अच्छे आलिम तो थे ही, कुरान शरीफ का तफसीरा भी उन्होंने किया, उसके साथ में पूरे हिंदुस्तान में बेदारी भी लाई, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं, यहां तक के जब पार्टीशन की नौबत आई तो आखिरी दम तक पार्टीशन का अगर विरोध कोई करता रहा तो मौलाना आजाद थे। इसलिए वो महान नेता को मेरा सलाम है। मुझे बेहद खुशी है जो भी यहां बैठे हैं वाकई में खिराज अकीदत के लिए उनसे बैठे, उनसे मोहब्बत करते हैं। आज जो इतने बड़े पैमाने पे एक भारत में एक हकीकत, अभी जितने भी लोगों ने तकरीर की कुछ बातें नहीं बताई, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो इतने बड़े पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान दिखाई देता है, ये मौलाना आजाद साहब की देन है। जब बड़ी तादाद में यहां से डरे, सहमे, घबराए लोग पाकिस्तान का रुख कर रहे थे, तो ये मौलाना आजाद ही थे जिन्होंने जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर से ऐलान किया कि लोगों कहां जा रहे हो, अपने बुजुर्गों की मजारों को छोड़कर कहां जा रहे हो, ये मस्जिदों को छोड़कर कहां जा रहे हो, ये अपने बाप दादों की पुरखों की जमीनों को छोड़कर, ये अपनी धरती को छोड़कर। तो बड़े पैमाने पर जो है देश भर का जो मुसलमान यहां रुक गया, और इस बात को तायद की महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि बेशक ये मुल्क सबका है, सबका लहू इसके लिए बहा है, हर एक कौम ने आजादी के लिए हिस्सा लिया है, तो जो जहां रहना चाहता है वो बेशक रह सकता है। वो बात अलग है कि उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब तक हम अपने बुजुर्गों के इतिहास को हम नहीं जानेंगे, हम अपने दिलों में उनके जज्बातों को नहीं लाएंगे, तो बेशक ये जो फिरकावारी ताकतें हैं ये इन्हें मिटाने की कोशिश करेंगी। कड़ी धूप का वक्त है, दोपहर का वक्त है, खाने का भी वक्त हो चुका है। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, मगर अभी जागने की जरूरत है, हमारे दिल में मोहब्बत लाने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे देश का आईन, हमारा संविधान खतरे में आ गया है। आप देख रहे हो किस किस तरह की हरकतें खुलेआम टीवी चैनल के माध्यम से संविधान के ऊपर अटैक हुआ जा रहा है। बेशक आपने देखा होगा कि जो खासदार है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खुलेआम बोल रहे हैं कि हम तो संविधान बदलने के लिए आए हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने जब संविधान पेश किया तो उनके साथ वल्लभ भाई पटेल भी मौजूद थे, नेहरू भी मौजूद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी मौजूद थे, और आप वो फोटो में देख लो मौलाना आजाद भी मौजूद थे। और ये संविधान ही है जो इस हिंदुस्तान को जोड़े रखा है। जितने भी जाति धर्म की मोतियों की जो मोतियां हैं, जो गौहर है, एक माला में पिरोने का अगर काम किया है तो संविधान ने किया है। तो आज मेरे दोस्तों इसको बचाने की जरूरत है, तो किसी ना किसी जरिए से हमारे आईन को, चाहे वो कोई भी मामला आप देख लो, चाहे
हमारे खाने का मामला हो, फंडामेंटल राइट्स हो, हमारे दीन का मामला हो, शरीयत का मामला हो, हर तरीके से हमले हो रहे हैं। तो इसे अगर रोकना है तो हमें बेदारी लानी होगी। आज पूरे देश भर में मौलाना आजाद की जयंती का कार्यक्रम हर जिले में मनाया जा रहा है। हमारे देश के युवा नेता, युवा में कहूंगा कि राहुल जी ने ऐसे नौजवान के हाथ में जो है ताकत जो है माइनॉरिटी की दे दी है, नदीम जावेद उनके नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान आज काम कर रहा है। मुझे बेहद खुशी है अकरम खान जैसा नौजवान यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं मैं मुंबई में भी आज निरीक्षण में अपना घर बार छोड़कर काम पे लगा है। आज मैं आपके बीच में आया हूं, आज मेरे पास कोकण की जवाबदारी है, उसके बावजूद उत्तर महाराष्ट्र की मुझे जवाबदारी दी गई कि कौम में किस तरह बेदारी लाई जाए, किस तरह हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाया जाए, किस तरह देश को अखंडता को कायम रखा जाए। इस कोशिश में इतने सारे लोग, चाहे हर समाज के लोग यहां बैठे हुए हैं। हम इस हिंदुस्तान की तहसीब को कायम रखना चाहते हैं, अपना संविधान बचाना चाहते हैं। बस एक चंद अशार के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि हालात इस तरह के हैं, इसलिए अशार कह रहा हूं कि अपनी जान बचाओ और ईमान बचाओ, अपने देश की तहजीब और पहचान बचाओ, जो दर्जा देता है एक समान का हमको बाबा साहब का वो संविधान बचाओ। शुक्रिया।